बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको थर्ड चैप्टर जो कि है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसकी टाइप्स में अर्थमेटिक मीन की वीडियो मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ। नेक्स्ट इसकी वीडियो मीडियन से रिलेटेड वीडियो मैं आपको टॉपिक बना के सेंड कर चुकी हूँ। तीसरी आपकी टाइप है मॉड, बहुत ही ईजी और कहने के बहुत शॉर्ट, इसके दो ही फार्मूलाज हैं, कोई इसमें लंबी चौड़ी बातें नहीं है। मीडियम लेंथ ही ज़रूर था टॉपिक, लेकिन वो इंटरेस्टिंग था। और मॉड सबसे इजी है, अर्थमेटिक मीन भी लेंथ ही था। मॉड इज़ वेरी सिंपलेस्ट एंड ईजीएस्ट। मॉड में अनग्रुप्ड एंड ग्रुप दो फार्मूलाज आपके सामने दिए गए हैं। मॉड का अनग्रुप्ड फार्मूला क्या है? मॉड इज इक्वल्स टू मोस्ट रिपीटेड वैल्यू या मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। मॉड का ग्रुप डेटा का फार्मूला क्या है? एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन होल डिवाइडेड बाई एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाइड बाई एच। क्या आपने एफ एम माइनस एफ वन करना है ऊपर? अब देखिए फार्मूला बड़े ध्यान से आपने समझना है और लिखना है। बाजू का स्टूडेंट्स क्या करती हैं, ये डिवाइड देख रहे हैं, ये डिवाइड का साइन ये एल के नीचे तक आया होता है, या कह लेंगे एच भी इधर ऊपर मल्टीप्लाई हुआ होता है। तो बड़े ध्यान से यहाँ से लेके यहाँ तक आपने ये डिवाइड कर लगाना है कि इसके नीचे ये सब कुछ है और मल्टीप्लाइड बाई एच सेपरेट है, एल सेपरेट है जी। एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन, एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू, ये ब्रैकेट्स में है दोनों, मल्टीप्लाइड बाई एच। तो एफ एम कहेंगे मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी को, एफ वन कहेंगे इस मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी से बैक साइड की वैल्यू को, एफ टू कहेंगे इस मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी की आगे वाली वैल्यू को, आगे वाली फ्रिक्वेंसी को। L कहेंगे, L कहाँ से निकलेगा? अब L को देख के समझ आ रही है कि मॉड का नाम आते ही हमें फिर से सी बी का कॉलम चाहिए। L आपको पता है ना, सी बी के कॉलम से निकलता है, लोअर क्लास बाउंड्री को L कहते हैं जी। मीडियन के लिए मैंने आपको सिखाया था कि मीडियन का नाम आते ही आपको सी बी सी एफ का कॉलम चाहिए, तो मॉड का नाम आते ही आपको सिर्फ सी और सिर्फ सी बी का कॉलम चाहिए, ठीक है, सी एफ की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब तरीका क्या है, मैं आपको पहले अनग्रुप्ड इसका एक सॉल्व करके दिखाऊंगी और फिर ग्रुप्ड। ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन इसकी वैल्यूज हैं 5792379, ये अनग्रुप्ड डाटा है, ठीक है, ये अनग्रुप्ड डाटा है। और अनग्रुप्ड में आपको पता है इसका फार्मूला के मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, फ्रीक्वेंट मतलब जो चीज़ रिपीट हो रही है। तो इस डाटा में देखें क्या चीज़ रिपीट हो रही है, 5792379, 77 दो दफ़ा आ रहा है, 99 दो दफ़ा आ रहा है, तो 7 और 9 दोनों इसके आंसर्स हैं, मॉड के आंसर्स हैं 7 9। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जी ग्रुप। अब इसमें अगर अकेला कोई रिपीट हो रहा था ना, सिर्फ 7 रिपीट हो रहा होता तो मैं सिर्फ 7 इसका मॉड लगा देती। अभी चूंकि 7 और 9 दोनों रिपीट हो रहे हैं तो 7 9 दोनों इसके मॉड हैं। याद रखें अगर दो से ज़्यादा चीज़ें रिपीट हो रही हो ना, यानी कि 5 5 भी दो दफ़ा होता, 3 3 भी दो दफ़ा होता, तो फिर उसका कोई भी मॉड नहीं था। मैंने लिख देना था मॉड इज इक्वल्स टू नो मॉड, इस क्वेश्चन का कोई मॉड नहीं है। अब मैं आपके सामने इसका ग्रुप्ड क्वेश्चन करने लगी हूँ। इसमें देखें क्लासेस और फ्रिक्वेंसी दो कॉलम हमें गिवन है। आपको मैंने सिखाया कि मॉड का जिक्र आते ही आपको सी बी का कॉलम बनाना है, तो सी बी का कॉलम आपने बनाना है, कैसे बनाना है इसमें से मैंने हर ये सेपरेट वीडियो में आपको सिखाया है हाउ टू मेक क्लास बाउंड्री। ये मेरे चैनल में जाके आप वीडियो सर्च करें, क्लास बाउंड्री बनाने का तरीका एक्स से या क्लासेस से मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से सिखाया है हाउ टू मेक क्लास बाउंड्री, मेरे ही चैनल की वीडियो में है, आप उसको सर्च करें और फाइंड करें। खैर इसमें 0.5 इसमें माइनस किया, इसमें प्लस किया, यहाँ पे तो सिंपल था, लेकिन मुख्तलिफ डाटा के अकॉर्डिंग मुख्तलिफ सी बी बनाने का तरीका होता है। वी नो दैट इसमें मॉड इज इक्वल्स टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन, बड़े ध्यान से फार्मूला लिखना है। अब कैसे आपने सेलेक्ट करना है, उसमें तो आपको पता है मीडियन में तो आपने वो एक कंसिडर किया था, उसको जाके सी एफ के कॉलम में देखते थे, फिर मॉडल क्लास को हाईलाइट कर देते थे। लेकिन यहाँ पर कैसे हाईलाइट किया है, ये पिंक आप देख रहे हैं हाईलाइट कैसे करना है कि फ्रीक्वेंसी के कॉलम में, अभी हमें सी एफ की ज़रूरत नहीं है, फ्रीक्वेंसी के कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू देखें कौन सी है, 6 4 10 6 3 1, 10 इज़ द बिगेस्ट वैल्यू। तो 10 वाला जो है ये हमारा आ गया मॉडल क्लास। अब इस मॉडल क्लास में सी बी में लोअर वैल्यू, सी बी में आपको पता है लोअर वैल्यू ये हमारी एल हो गई, ये हमारी एफ एम हो गई, इससे पिछली वैल्यू चाहे वो कोई भी वैल्यू होती, इससे पीछे चाहे कोई भी वैल्यू होती वो एफ वन, और इससे आगे एफ एम से आगे कोई भी वैल्यू हो उसको हम एफ टू कह देंगे, ठीक है। एल
F1, FM, F2 निकल आया. H कैसे निकलेगा, इस पिंक CB के पिंक को दो माइनस कर दें, 100.5 माइनस 96.5, तो वो हमारा आंसर 5 आ गया जी. अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करनी है L की जगह पे 96.5 जो कि यहाँ से निकली है, ये FM की जगह 10, FM की जगह 10 और F1 की जगह 4 जो कि ये है. 10 माइनस 4, 10 माइनस 6. अब नीचे वाले इसको सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करना है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करें, इस ब्रैकेट को सॉल्व करें, दोनों को प्लस करें तो डिवाइड में लिख लें. ऊपर 10 माइनस 4 किया, 6 आंसर आ गया, 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 3 30 आ गया. 30 को 10 पे डिवाइड करें, 3 इसका आंसर आ गया. तो 3 इसमें प्लस कर लें 96.5 में, तो ये हमारी आ गई 99.5, ये हमारा आंसर आ गया मॉड का. अब मॉड में देखें ये 99.5 आंसर आया है, तो ये इसी डाटा के अंदर ही लाइक आ रहा है ना, तो इसलिए आपको समझ आ जाएगी कि आपका ठीक आया है कि कोई मिस्टेक हुई है. खैर आई होप आपको मॉड में कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी. मॉड का टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया है जी. छोटा सा टॉपिक था, कोई इसमें इशू वाली बात ही नहीं है. सिर्फ और सिर्फ CB का कॉलम चाहिए, और CB बनाते कैसे हैं ये मैंने आपको सेपरेट बताया है, समझाया है. बड़े ध्यान से जाके पहले वो वीडियो देखें, CB कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक क्लास बाउंड्री, और फिर आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछें, मैं आपको उसका एक्सप्लेन करूंगी. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.